बाकी दोस्तों उसकी बात की जाए तो जब हमने काश्त शुरू की थी, प्लान बनाया था, तो हमें बड़े सारे मशवरे मिले कि पहले क्रेन से टोए निकालें, उसके अंदर गोबर की रूड़ी और मिट्टी मिक्स करें, खाद डालें, ये डालें, वो डालें। सर बिल्कुल मुझे तो नहीं पसंद आया। हमने तो सर ये इसी तरह ही लगाया था, कोई क्रेन नहीं मंगवाई, कोई गोबर नहीं डाला, कोई खादें नहीं डाली। हमने साल के पौधे बनाए बनाए कि हमने तो वही कोयटा से मंगवाए थे, बड़े हमें तो महंगे पड़ गए थे क्योंकि हम बिल्कुल नए थे, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी और किसी ने इन्फॉर्मेशन दी भी नहीं। तो पौधे हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए थे और ट्रांसफ़र करके खेले मेले निकाल दी थी इसकी। जब हमने ट्रांसफ़र किया उस वक्त यहाँ पे गंदम लगी हुई थी, हम तो बड़े एक इम्तिहान में पड़ गए थे कि गंदम का जब पानी सूखना था तो ये पौधे उस वक्त साथ मर रहे थे। फिर हमने गंदम में लाइनें बनाई, लाइनें बना के वहाँ से पौधे के करीब से गंदम हटाई, स्प्रे मशीन दी दो बंदों को, वो खालों से स्प्रे मशीन के साथ भर के पानी पौधों के मूढ़ों में डालते रहे डेली बेसिस पे। फिर भी काफ़ी सारे हमारे पौधे मर गए थे। तो उसके बाद फिर हमने ये छोटा ट्रैक्टर मंगवाया, बिल्कुल छोटा था, जिसके अंदर बड़ा अच्छी तरह उसने ये पे हल फेर दिया, हल फेर के उन्हें खेले निकलवाई हैं। और उसके बाद से आज तक दोस्तों इसमें गुआरा और नाइट्रोफास के अलावा कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाली गई है। हाँ, जिंक डाली थी, दीमक का बड़ा मसला था। दीमक के लिए मैं बता दूं, वाकई बड़ा मसला होता है और दीमक को कंट्रोल करना इसमें असल काम है। सेंक भी जिसको कहते हैं, टर्माइट भी जिसको कहते हैं, टेक्निकल वर्ड टर्माइट है, दीमक और सेंक वगैरह ये लोकली वर्ड्स हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए हमने सर इसमें फेप्रोनिल दानेदार डाली हैं, कार्बोफ्रान इसके जड़ों में डाली हैं। उसके बाद तकरीबन एक पानी के बाद एक हमने टीनाकिल प्लस, स्टैटिक कंपनी है गुरमुटो पंजाब की, उसकी वो डाली है। उसके अलावा हमने फेप्रोनिल लिक्विड जो है वो डालते रहे हैं। यानी इन शॉर्ट बात की है कि हमने इसमें 50,000 के करीब जो है ना वो टर्माइट की दवाइयां ही रोड़ी हैं, तब जाके कंट्रोल हुआ है। इस वक्त इसमें कोई टर्माइट नहीं मिलता, अल्लाह का शुक्र है, जहाँ छूट गई है उससे। बाकी दोस्तों कुछ चीज़ें सारी तकरीबन डिस्कस हो गई हैं। किसी के बारे में, किसी के जहन में किसी किस्म का भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कर ले, मैं इंशाल्लाह आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर कोई कॉल पे बात करना चाहता है तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, कॉल करें, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। मतलब इन शॉर्ट ये जिस तरह हम तंग हुए हैं, मैंने थोड़ी स्टोरी बताई है, बाकी बड़ी सारी बातें थी शॉर्ट करके बताई है कि और तंग ना हो। किसी को किसी किस्म की मालूम इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, ग्रेप से रिलेटेड, अमरूद से रिलेटेड, लेमन से रिलेटेड, और पोटैटो, कॉर्न, और उसके अलावा कपास से रिलेटेड, तो सर मैं हाज़िर हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं कोशिश करूँगा दोस्तों के साथ शेयर करूँ, मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता।